आज के इस वीडियो में मैट्रिक इंटर रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ को जानेंगे। इस विज्ञप्ति में इंटर के छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज़ है, उनके कॉपी का मूल्यांकन खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो 15 से 20 मार्च के बीच में रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, यहाँ पर है कि इंटरमीडिएट के मूल्यांकन केंद्रों से विरमित एवं अर्हित शिक्षकों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी इंटरमीडिएट का जो है मूल्यांकन कार्य बहुत से विषयों का खत्म हो चुका है, उसमें से विरमित करने के लिए कह रहा है और मैट्रिक के कॉपी जाँच में लगाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों के केंद्र निदेशक, प्रधान परीक्षक, सब परीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 के वैसे मूल्यांकन केंद्र जहां जिन विषयों में मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो गया है, यहां पर देख सकते हैं कि मूल्यांकन का जो है कार्य, इंटरमीडिएट का कार्य समाप्त हो गया है अथवा शीघ्र समाप्त होने वाला है, यानी बहुत से विषय जो है वहाँ समाप्त हो गया है और इनका जो टारगेट है 9 मार्च तक का ही टारगेट है जो पूरा कर लिया जाएगा। तो वहाँ से विरमित हो चुके सब परीक्षकों अथवा विरमित होने वाले सब परीक्षकों से वैसे सब परीक्षक जो मैट्रिक कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की अर्हता रखते हैं, उन्हें मूल्यांकन केंद्र निदेशक द्वारा मैट्रिक के मूल्यांकन केंद्रों पर अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ऐसे परीक्षक स्वयं भी संबंधित मूल्यांकन केंद्र निदेशक के पास जाकर योगदान दे सकते हैं जहां मूल्यांकन केंद्र निदेशक उनकी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के जाँचने की अर्हता की जाँच करने के पश्चात अपने स्तर से उन्हें सह परीक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे और ऐसे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से अनुमोदन की अनिवार्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं, यानी मैट्रिक की कॉपी जांच में अब लगाया जा रहा है जो भी परीक्षक और जहाँ जहाँ सेंटर बनाए गए थे इंटर की कॉपी जाँच के लिए, वहाँ जिन जिन विषयों का जो है कॉपी जांच खत्म हो चुकी है तो वैसे परीक्षक को इन मैट्रिक के कॉपी जांच में लगाया जा रहा है। और एक न्यूज़ के अनुसार यहां पर देख सकते हैं कि मार्च में ही रिजल्ट का लक्ष्य, तो मार्च में ही रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। तो कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च में ही देने का लक्ष्य रखा है। तो अब देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 15 से 20 मार्च के बीच में रिजल्ट आ सकता है। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पिछले वर्ष जो है कंपार्टमेंटल का रिजल्ट वह 15 दिन में मात्र जारी किया था, तो इसलिए अगर कॉपी जांच हो जाती है तो मार्क तो सब दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिए जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल से 7 दिन समय लेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट कॉपी की जो जाँच है वह 9 मार्च तक खत्म करना है, यानी बहुत से विषयों का कॉपी जाँच खत्म हो चुका है, लगभग खत्म होने वाला है। तो 9 मार्च को कॉपी जांच खत्म हो जाएगा और उसके बाद 2 दिन के अंदर में सारा मार्क जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुश्किल से 5 दिन के अंदर में सभी टॉपर्स का वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो इसलिए संभावना है कि 15 से 20 मार्च के बीच में ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष जब 30 मार्च को जारी हुआ था तो बहुत से स्टूडेंट को, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी रिजल्ट कैसे जारी हो रहा है। तो एक सरप्राइज देना चाहते हैं आनंद किशोर, इसलिए जब रिजल्ट जारी हुआ तब बात जो है मीडिया में आई, तो वही बात अब की बार भी होने वाला है। लोग अभी सोच रहे हैं कि मार्च में कैसे रिजल्ट आएगा, तो समझ लीजिए कि 9 मार्च को कॉपी जाँच पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो 16 या 17 मार्च तक में आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा, कोई भी रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। इसलिए रिजल्ट
काफ़ी जल्दी आने की संभावना है। आप लोग जानना चाहेंगे कि जैसे रिजल्ट जारी हो तो आपको न्यूज़ सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।